हाजीपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंदर राम ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर लिया, जिसके बाद हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के भोला राय उच्च विद्यालय सुभई में महागठबंधन के नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया है, जहां भाजपा पर हमला बोलते हुए बोला है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बुजुर्ग हो गए हैं, वह जहां भी रहेंगे हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर भी हमला बोला है। चिराग पासवान को कहा है कि समस्तीपुर में किसको टिकट मिला, जमुई में किसको टिकट मिला, इस बार बाहरी को भगाना है और अपना शिवचंदर राम को हाजीपुर से जिताना है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार से 40 में 39 सीट जीतकर बिहार के लोगों को क्या दिया, बिहार के साथ सिर्फ धोखा ही मिला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए नौकरी के वादा भी पूरे नहीं किए गए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का भी दर्द छलका है। मुकेश सहनी ने कहा कि आप सभी लोग अपना वोट देकर विधायक को जिताते हैं, भाजपा वाले विधायक को ही खरीद लेते हैं। वहीं इस मौके पर हाजीपुर लोकसभा के उम्मीदवार शिवचंदर राम, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला सहित महुआ विधायक तथा महागठबंधन के तमाम लोग मौजूद थे। यहाँ से वैशाली से और हाजीपुर से दोनों सीट से लालटेन को जलाने का काम करेगा। आप लोग देखिएगा, जनता एनडीए का सांसद तो है ही, 10 साल से एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप देखिएगा हम सब लोग देखें कि प्रधानमंत्री जी ने कितना झूठ बोला का सामना। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोले कि कहीं का भी प्रधानमंत्री इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। सौदा में आए थे, बोले थे भाई बहनों 2 करोड़ नौकरी देंगे, साथ 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार को संरक्षण का दर्जा देंगे, महंगाई की मार को खत्म करेंगे, गरीबी मिटा देंगे, 19 में आए तो बोले किसानों का आय दुगना कर देंगे, भाई हाथ पे हाथ साफ भाई, अच्छा मकान को पक्का मकान बना देंगे, हल्ला जगह का चीनी मिल खुलवा देंगे, बड़ी का चीनी का चाय पिएंगे, ना मोतिहारी का खुला, ना नवादा के मार्सली का खुला चीनी मिल। एक काम प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए नहीं किया, जितने वादे किए सारा की सारा आप लोगों के साथ धोखा दिया गया। 40% सांसद प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने उनको दिया, लेकिन आप लोगों को क्या मिला? आज सब लोग जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे यहाँ भी निवेश आए, कारखाने खुले, इसके लिए कोई भी पहल भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की। इस बार पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं और पूरे बिहार में बिहार के लोग ये खड़ा है कि सत्ता में रहने वाले लोग तो रुपये दखल करने का काम करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, जिन्होंने बिहार के साथ धोखा दिया। अभी भी कई सारे जी कह रहे थे कि भाजपा
मोबाइल से करो ना भैया, मोबाइल से करो ना भाई, हो गए भाई।